सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला कहबा शब रात मेरी अपनी पसंद या नापसंद किसी पे थोपते नहीं है। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं पसंद तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरी तरह पहन लो। अपने काम से काम रखा करो। आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। तुमने तो कहा था कि तुम आओगे, मुझे अपने साथ ले जाओगे। कब से रात तक रही हूँ तेरी। मोहम्मद हुसैन भाई ने सोने का कारोबार शुरू किया ना, तो मिठाई के साथ ही भिजवाई थी। आपका मैनेजर ही तो देकर गया है। कब? कल। मैंने तो उनका शुक्रिया अदा कर दिया, अब आप भी कर देना। नहीं पापी जी, अमर बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। बस चाची ने उसके कान भरे होंगे। तुम कब आए? अभी आया। जल्दी आ गए। हाँ यार, मैं मस्कत गया था। नहीं यार, हमें दो तीन अच्छे कुक की जरूरत होगी वहाँ। नहीं, अगर यार काम अच्छा करना है तो डेफिनेटली वी नीड सम गुड कुक्स ओवर देयर। बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बैठे शमी साहब। सर माँ जी ने कुछ कपड़े भेजे आपके लिए। रख दीजिए, मैं ले जाऊंगा। शमी साहब, वो लाहौर की तीन टिकट्स बुक करवाते हैं। कल की मेरी करा दें और परसों की मैडम और बच्चों की। वो इंटरव्यू के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। मैं बहुत बिजी हूँ सर। ये मैनेजर की पोस्ट है, बेहतर होगा कि आप ही कर लें। जैसे आपको अथॉरिटी तो है ना, आप इंटरव्यू ले सकते हैं ना उसका। आप ले लीजिए, इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू। सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला इस पार नहीं उस पार नहीं, जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ। आ गया आज, जल्दी आ गए हो आज। क्यों, तुम्हें मेरे जल्दी आने पे इतराज है? गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। पारो आई पपी जान।
अरे भाईजान तुसी आ गए, खाना वाना लगाओ। खाना? हर पल आदमी खाना ही खाते रहता है। नहीं खाना मैंने खाना, जाओ तुम। These are too bright. You know I don't wear such colors. मेरी माँ यहाँ आ नहीं सकती, तो तुम ये कपड़े पहन नहीं सकती। मर्जी के बगैर। कभी तुमने मेरी मर्जी के बारे में सोचा है सारा? मेरी खुशी, मेरे मूड की फिक्र की है तुमने? It's okay. No, it's not. Mike aaya tha. Haan, aaya tha shaam ko. Lekin gaya nahi. What do you mean? Shaam ko hi chala gaya tha wo. Jhoot bol rahi ho tum. Wo raat ko aaya tha. सुबह क्या है? जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? कितनी बेशरम हो तुम, एक गैर मर्द को अपने शोहर की गैर मौजूदगी में बुलाती हो। He is just a friend for God's sake. रात को ड्राइव नहीं कर पा रहा था, रह गया तो कौन सी कयामत आ गई है? रंग था। हाँ तो? तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है वो, एक ड्रंक आदमी को? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। लिमिट तुम क्रॉस कर रही हो? कर लिए, बहुत बुरी हूं मैं, छोड़ते क्यों नहीं हो मुझे? छोड़ूंगा तो नहीं, तुम्हें गांव भेज दूंगा। परसों तुम सब लोग गांव जा रहे हो। गांव जा रहे? माय फुट। जाओगी तो हर हालत में तो जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी तो क्या कर लोगे? जबरदस्ती भेजोगे? Oh God, I hate you. आवाज ना? वरना क्या? क्या? तुझे जान से मार दूंगा। वो काफिर थी। तुम कौन होते हो किसी के ईमान को परखने वाले? उस जैसी हर औरत को जिंदा दफन कर देना चाहिए। जब ये सब हुआ तुम वहां मौजूद थे? हाँ। अगर तुम वहां मौजूद थे तो तुमने उसके भाइयों को रोका नहीं? वो एक मासूम बच्ची को मारते रहे और तुमने आवाज नहीं उठाई? मैं वहां से चला गया था। इसका मतलब है तुम चुप रहे। अगर उस मासूम लड़की की बजाय तुम्हारी बहन पारो होती तो मैं उसे भी मार देता। कुफर के खिलाफ जिहाद करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है अब्बा जी। जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती है, बिक चुके हैं आप। रशीद, रशीद! कुरान की चंद आयात पढ़ देने से तुम जन्नती नहीं बन जाओगे। जन्नत में धकेलने वाले फॉर्म को सैकड़ों लोगों के खून से नहीं भरते। अगर एक बच्ची के सर से दुपट्टा सरक जाए तो अपनी चादर से उसका सर ढांप देते हैं, उसे कत्ल नहीं करते। याद रखो बेटा, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तमाशा बनाकर रख दिया तुम लोगों ने मजहब को, तमाशा बना दिया। सुग्रा जी, अब ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। और मस्जिद? मस्जिद में भी नहीं जाएगा। पारा साइड पे आना। नहीं पापी जी, मैं कर लेती हूँ। मैं करूंगी ना। अट जाओ। गॉड।
ओहो पप्पी जान, आज तो पाई जान की बड़ी खिदमतें हो रही हैं जी। बात ही ऐसी है। नहीं पहले जूस। मैं आ रहा हूँ ऑफिस जी, बात करता हूँ आपसे। बाय। अच्छा बस भी करो, नाराज हो के अच्छे नहीं लगते। आप सब छोटी सी बात तो नहीं है। आई नो हसन, बट He's just a friend. वो ड्राइंग रूम में सोया था। You've got to believe me. But still, it's not right, and I admit that. I'm really sorry. I'm very, very sorry, and you know that. Whenever I say sorry, I really mean it. रिमेम्बर जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब तुम सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते थे, हालांकि तब तुम कुछ भी नहीं थे। बहुत बुरी हूं मैं, पर इतने भी नहीं कि मुझे अपने से दूरी कर दो। सारा मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं ऐसा। पर मुझे दिल क्यों नहीं मानता? तुम अब भी वैसी हो जैसे पहले थी। अब मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन गांव नहीं जाओगी ना? नहीं, मैंने आज किसी से नहीं मिलना। ओके। हाँ, ज़ारा को फोन देना। वो तो गई। कहाँ गई? मैं
मैनू नहीं पता, काफी देर हो गई है जी। मुझे ढूंढने भाग रहे थे ना डरपोक। मैं पता है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलो आज कहीं बाहर चल के लंच करते हैं। ठीक है, क्या खाओगे? व्हाटएवर यू से। वो तुम एक घंटे से कहाँ थी? वो ऐसे ही शॉपिंग करते हुए एक सॉलिटेयर पसंद आ गया था, बुक तो करवा लिया लेकिन बहुत महंगा है, यू कांट अफोर्ड इट। जो तुम्हें अफोर्ड कर रहा है तो फिर सॉलिटेयर की क्या औकात है, चल ले लेते। वो तो टाइम लगेगा, ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, तुम ले लेना। मैं भूल जाऊंगा तुम अकाउंटेंट से कह देना, वो तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देगा। $30,000. ठीक है, कोई बात। Why do you spoil me so much? माँ भी अजीब बातें करती हैं। कहती हैं कि मैं जुर्म का गुलाम हूँ। वैसे हूँ तो। सबीलिल्लाह, अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। हक क्या है? हक वो है जिसकी तालीम रसूल और अल्लाह ने दी। अक्सर मुसलमान हक पर नहीं है, हुक्म है उनके खिलाफ जिहाद करो। असलम साहब, एहतिशाम साहब से कहें कि मेरे ऑफिस में। जरा मुझे बताइए एहतिशाम साहब, 12-13 साल के बच्चों को किस जिहाद का फलसफा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप? पहले उनके जहनों से जिहाद का अंधेरा तो दूर कीजिए। हमारे बच्चे तो माशरे की ऊंच नीच से पहले ही नाराज हैं। ठीक तरह से वो नाश्ता करके नहीं आते। उनके कच्चे जहनों को इस्तेमाल करने का लाइसेंस आपको किसने दिया? सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा, ये सारी तफसील आपके डेस्क से जारी हुई है। और वैसे भी सर, आए दिन मुसलमानों का कत्ल आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्ल इस्लाम नहीं है, नहीं है इस्लाम। पहले उन मासूम बच्चों को इस काबिल तो बनाए कि वो अल्लाह की किताब को समझ सके, फिर उनकी मर्जी जो रास्ता चाहे अख्तियार करें। और दूसरी बात, यह निसाब मैंने नहीं बनाया और ना ही यहां से जारी हुआ। ये निसाब किसने जारी किया? मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन साहब। अगर स्कूल में आपकी मर्जी का निसाब होगा तो मैं इसकी डायरेक्टरशिप से इस्तीफा देता हूं। आप तशरीफ ले जाए। थैंक यू सर।
लेकिन भाभी जी आप जा कहाँ रही हैं? दो दिन के लिए मैं और तुम्हारे भाईजान सेशल्स जा रहे हैं, तो जल्दी से सामान गाड़ी में रखवा दो। जी हाँ, किधर हो? कार जो कोई नहीं है जी, बच्चे सो रहे हैं। वो भाभी जी तो आपके पास गई है ना? मेरे पास? लेकिन ये पाबी जी अपना टिकट भूल गई हैं। आप लोग वो मून पे जा रहे थे ना, वो हनीमून पे। की होया पाईजान? पाईजान की होया? जय वारदात पे ये सब लोग पकड़े गए। बुरी दुकान चला थी? जी हाँ, उसमें कोर्स वगैरह की किताबें थी सर। वहां से मैगजीन, फिल्में और फांसी की तमाम चीजें मिलती थी। तौबा, अगर तुम किसी की इस्लाह नहीं कर सकते तो क्या उसे मार दोगे, जला दोगे उसे? इस तरह तो तुम किसी का प्यार क्या हासिल करोगे, किसी के दिल में खौफे खुदा भी पैदा नहीं कर सकते। अगर तुम आजान दोगे तो तुम्हारे पीछे कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। सर आपका बेटा भी इनके साथ था। मेरे बेटे रशीद को भी उस वक्त तक हवालात में रखिए जब तक वो ये बता ना दे कि ये सब किसके इशारे पर हुआ। और हां, अब्दुल्ला छोटा बच्चा है, मैं उसकी जमानत देना चाहता हूं अगर मुमकिन हो तो। जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत जान। दूध पी ले मेरा बच्चा। आई डोंट वांट टू हैव इट, प्लीज 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 पी लेना। नहीं 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 प्लीज, मुझे नहीं पीना, प्लीज प्लीज बारो हंजी प्लीज। क्यों नहीं पीना? मैंने इसको ठंडा किया फ्रिज में रख के। नहीं मुझे नहीं पीना प्लीज। क्या चीख पुकार लगाई हुई है तुम लोग ने? अब डैड आई डोंट वांट टू हैव इट प्लीज। क्या चीख पुकार लगाई हुई है, वरना मैं आ रहा हूँ। नहीं पाईजान, तुझे परेशान ना हो, मैं अभी पिलाती हूँ दूध। अच्छा दूध पी, इसके बाद हम बाहर जाएंगे चमगादड़ देखने। ले 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 मेरा बच्चा। चमगादड़? What's that? आप दूध चमगादड़। Okay fine। जल्दी जल्दी पूरा खत्म करना है।
भाईजान। कौन? मैं पारो। क्या बात है? बोलो। भाईजान, भाभी कब आएंगी? तुम उससे पूछो ना। नहीं, आप बताएं। वो खुद गई है यहाँ। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। ओह, तोड़ा का अर्थ जन्नत है भाईजान। अच्छा, तुम्हें लगता है? फिलहाल तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुसी मैनू छड्डो। लेकिन बच्चों नू चीजां दी नहीं, मां दी जरूरत होंदी है। जरूरत होती तो एक बार जरूर पूछते मां को। सारा के बच्चे भी सारा की तरह बेमरोबत। तुम जाओ पारो, वो ना भी आई तो तब भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी इस घर में। वो क्यों नहीं आएंगी भाईजान? तुसी दिल छोटा ना करो। कैंसिल कर दो चेक। उनसे कह दो ऑर्डर नहीं है। मीरा, आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग बैक। क्यों ज़ारा? बच्चों के लिए। बच्चे तो तुम्हारे ही हैं, उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो क्या पैसों के लिए? क्या हसन ने पेमेंट स्टॉप कर दी है और तुम डर गई? क्या तुम खुद एक दिरहम भी नहीं कमा सकती? I don't know. Maybe yes, maybe not. मीरा, I'm really confused. कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम भी नहीं समझोगे। तो इसका मतलब यह है कि अब तक वो तुम्हारे साथ की कीमत अदा कर रहा था और तुम कीमत वसूल करती रही और खुद खाली रही, एक एम्प्टी खाली पिंजरा। गो टेल हिम, तुम उसके एड के बगैर भी जी सकती हो। शादी के नाम पर औरत को कैद करना, उसकी ज़रूरत को उसकी कमज़ोरी बनाना, ये बरसों से होता आ रहा है और तुम जैसी औरतें ऐसा होने देती हैं। अपनी रूह गिरवी रख के जीते नहीं, सिर्फ मरते हैं ज़ारा। सबकी जमानत हो गई है। अर्शद अली के बेटे को लाओ। हमें इजाजत है? जी सर। बंद करो इन्हें लॉकर में। बेटा, तुम घर क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? मैं घर नहीं जाऊंगा।
आओ मेरे साथ। और किंग ने जब देखा कि उसकी तो बेटी भी सोने की हो गई है, आए उसके बाद तो वो लगा रोने कि अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे और सब कुछ मिट्टी। सलाम पाईजान। हाय डैड। हाय बेटा, हाउ आर यू? ठीक हूँ, आप कैसे हैं डैड? खाना खाया? नो। नमाज? या। वो इस मामा? मेरा मामा गई, शायद वो कभी भी नहीं आएंगी इधर। तुम्हें वो मामा याद आ रही हैं? फोन पे बात करनी है उनसे? नो, अपेरेंटली कैन यू जस्ट कंटिन्यू दैट स्टोरी? हाँ, लेकिन बेटा आपके पापा। डैड, डोंट यू वांट टू लिसन टू दैट स्टोरी? इट्स रियली गुड। इट्स लाइक अबाउट दैट बादशाह थिंग, राइट? बेटा, इट्स टू लेट नाउ। आप खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? गो। मैं आपको ऊपर सुनाती हूँ, ठीक है? लेट्स गो। बच्चे भी भूल गए तुम, और तुम भी भूल गई बच्चों को जारा। हाउ कुड यू? ये ज्यादती नहीं है? अपने बच्चे को छोड़कर अब्दुल्ला की जमानत दे दी, लवारिस है क्या वो? पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हाल किया। अगर तुम उसे गलती की सजा दे देती तो आज ये नौबत ना आती। बच्चा है वो, ना समझे। अगर घर छोड़कर चला गया ना तो ढूंढते फिरेंगे आप। अरशद अली, संभालो अपने बेटे को। तुम भी हद करते हो अरशद अली। मुझे एक फोन ही कर देते, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अगर बच्चे मदरसे में गुंडागर्दी करने के लिए जाएंगे फिर तो इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं अपने इलाके के किसी बच्चे को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैंने सबकी जमानत करा दी है और उस दुकान वाले का नुकसान भी पूरा कर दिया है। देखो अरशद अली, बच्चे पर सख्ती ना करना। माशाल्लाह। जारा। हाँ बोलो। डाइवोर्स के पेपर्स भिजवाए थे मैंने। तो फिर साइन कर दो। मैंने पेपर्स देखे नहीं। ये कैसे हो सकता है सर, 3 दिन पहले भेजे थे। अच्छा, तो फिर वो ट्रैश बिन के अंदर हो गया। और सुन लो, ना तो मैं पेपर्स पे साइन करूंगा और ना ही तलाक दूंगा। जो करना है कर लो। इडियट, क्यों जाने दिया बच्चों को तुमने? 2 घंटे से फोन नहीं उठा रही है वो। बच्चे याद आ रहे। अब उनको याद करने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। सागर में खड़ी नमाज मेरी।
पार नहीं उस पार नहीं।